हेलो डियर चिल्ड्रंस, वेलकम टू योर जीके ऑनलाइन क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन जीके चैप्टर नंबर 2, टाइप ऑफ हाउसेस, यानी घरों के प्रकार। अ हाउस इज एन इम्पोर्टेंट नेसेसिटी। घर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, विंड एंड रेन। ये हमें सर्दी, गर्मी, हवा और बारिश से बचाता है। इट सेव्स अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। ये हमें जंगली जानवरों से भी बचाता है। फॉर मेकिंग हाउसेस दीज थिंग्स आर यूज्ड। घर बनाने के लिए कौन सी चीज़ें यूज की जाती हैं, वो हैं ब्रिक्स, ईंटें, सैंड, मिट्टी, सीमेंट, रेत, वुड, लकड़ी, स्टोन, पत्थर, स्टील एक्सेट्रा। ये चीज़ें घर बनाने में यूज की जाती हैं। फर्स्ट पिक्चर, हट। सम पुअर पीपल लिव इन हट्स। कुछ गरीब लोग इस तरह की हट्स में, यानी झोपड़ी में रहते हैं। सम पीपल लिव इन सिंपल हाउसेस इन द विलेज। और कुछ लोग सामान्य घरों में रहते हैं, इस तरह के सामान्य घरों में रहते हैं जो हमें गांव में देखने को मिलते हैं। सम पीपल लिव इन सिंपल हाउसेस इन द विलेज। फिर है बंगलोस। सम रिच पीपल लिव इन बंगलोस। कुछ पैसे वाले यानी धनवान लोग बंगलोस में रहते हैं। मैनी पीपल लिव इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इन द सिटीज। और कुछ लोग शहरों में मल्टी स्टोरेज यानी फ्लैट में रहते हैं, इस तरह के फ्लैट में। तो मैनी पीपल लिव इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स इन द सिटीज। सम पीपल लिव इन इवन इन हाउस बोट। और कुछ लोग बोट में घर बनाकर रहते हैं, इस तरह से हाउस बोट कहते हैं। सम पीपल लिव इवन इन हाउस बोट्स। फिर है टेंट। द वंडरिंग पीपल विद देयर एनिमल्स लिव इन टेंट। और कुछ लोग अपने जानवरों के साथ टेंट बनाकर, यानी तंबू बनाकर रहते हैं, इस तरह के तंबू बनाकर। ऐसे लोग मतलब जो तंबू में रहते हैं वो एक जगह पे नहीं रहते, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। द वंडरिंग पीपल विद देयर एनिमल्स लिव इन टेंट। फिर है इग्लू। ड्यूरिंग द विंटर द एस्किमो लिव इन द स्नो हाउसेस कॉल्ड इग्लू। जो एस्किमो प्रजाति होती है वो सर्दियों में स्नो हाउस यानी बर्फ का घर बनाकर रहती है, इस तरह से। उस बर्फ के घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। ड्यूरिंग द विंटर द एस्किमो लिव इन द स्नो हाउसेस कॉल्ड इग्लू। सम पीपल लिव इन वुडन हाउस इन द जंगल। और कुछ लोग लकड़ी का घर बनाकर इस तरह का जंगल में रहते हैं, जंगली जानवरों से बचने के लिए इस तरह का लकड़ी का घर बनाकर ये लोग जंगल में रहते हैं। सम पीपल लिव इन वुडन हाउस इन द जंगल। फिर है एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें फिल करना है। द स्नो हाउस इज कॉल्ड द इग्लू। द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर इन द सिटीज। सम पीपल लिव इन वुडन हाउस इन द जंगल। सम रिच पीपल लिव इन बंगलोस। द वंडरिंग पीपल लिव इन टेंट। सम पुअर पीपल लिव इन हट्स। तो इस तरह से हम ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन 2, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 थिंग्स यूज्ड फॉर मेकिंग अ हाउस। तो यहाँ पे हमें 5 चीज़ें जिनसे घर बनाया जाता है उनके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट, वुड, स्टोन।
तो ये 5 नाम हमें इन चीज़ों के लिखने हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ हाउस समझ में आया होगा। सो आप इनका घर पर अभ्यास करें। धन्यवाद।